इस मौसम में फिशिंग लेसन का मजा ही कुछ और है। देखना मोगली आज कैसे मछली खुद मेरे हाथों में आती है। ये जगह बहुत अच्छी है। देखो मोगली, ध्यान से सुनो। सबसे पहले तुम्हें सही बैलेंस बनाना होगा। मेरे कछुए दोस्त, मुझे लगा ही था यहाँ क्या कर रहे हो। मैं तो घोड़े बेचकर सो रहा था, तुमने मेरी नींद खराब कर दी। मैं मोगली को मछली पकड़ना सिखा रहा था। अच्छा, इसका मतलब तुम हमें ऐसे ही परेशान करते रहोगे। बोलो ऊ, चलो यहाँ से। लगता नहीं कि हम यहाँ चैन की नींद सो पाएंगे। बस अपने हाथों का ठीक से इस्तेमाल करो, एक झटके में हाथों से झपटा मारो। पर तुमने तो अब तक एक भी नहीं पकड़ी बलू। तो क्या हुआ, एक नहीं 100 पकड़ूंगा। अब तक तो 20-30 पकड़ चुका होता, पर आज का दिन ही जरा खराब है। कोई बात नहीं, अब देखो मैं तुम्हें दूसरा तरीका दिखाता हूँ। मैंने गांव के लोगों को ऐसा करते देखा था। देखो ये है एक फिशिंग रॉड। फिशिंग रॉड? ये तो बिल्कुल बकवास चीज है, इससे तुम कभी फिश नहीं पकड़ पाओगे। अच्छा तो ठीक है, चलो एक कॉन्टेस्ट हो जाए। जो भी सबसे ज्यादा मछलियाँ पकड़ेगा वो जीतेगा। मुझे मंजूर है। ये छठी। आ जाओ प्यारी मछलियाँ, अंकल बलू के पास आ जाओ। 7, 8। बलू, घबराना मत बलू, मैं तुम्हें बचा लूंगा। संभल कर, सामने देखो कौन आ रहा है। वहां वो तो एक मगरमच्छ है। और तेज मोगली, तेज तेज, तुम्हें कुछ नहीं होगा, जल्दी जाओ। ओह, बाल बाल बचे मोगली, तुम ठीक तो हो? हाँ शायद ठीक हूँ बघीरा, पर हमें जल्दी बलू को बचाना होगा, है ना? तो चलो जल्दी ब्रिज पर चलते हैं। जल्दी बघीरा, हमें उसे पकड़ना है। अरे नहीं, ये तो छोड़ना मत बघीरा। छोड़ना मत बघीरा, मैं आ रहा हूँ बचाने।
जल्दी आना मोगली। बलू उठो, आंखें खोलो। जल्दी मोगली, जल्दी, कुछ भी करो पर जल्दी करो। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो बघीरा, मैं तुम्हें बचा लूंगा। हाँ पर जल्दी मोगली। पता नहीं आज सुबह सुबह किसका मुंह देखा था, शायद नदी के पानी में अपना ही देखा था। कोशिश करता हूँ। फिर से कोशिश करो मोगली, एक बार और। पकड़ लिया। बांध दिया है मोगली, जल्दी खींचो। काम से वैसे बल्लू अपनी बातों से पकाता है, पर हम उसे चोट पहुंचते तो नहीं देख सकते, है ना बू? नहीं, कभी नहीं। तो चलो उन्हें खींच कर बाहर निकालते। शुक्रिया, अब खींचो दोस्तों। बलू उठो भी, बलू मेरे दोस्त, तुम ठीक तो हो ना? बलू, ओ शुक्र है तुम ठीक हो। शुक्र है? मैं तो बिल्कुल ठीक ही था, किस बात का शुक्र मना रहे हो? बलू, जान में जान आई, मुझे लगा आज मैं तुम्हें खो दूंगा। मुझे खोगे? अरे नहीं नहीं नहीं, मेरी तो बस जरा सी आंख लग गई थी। चलो छोड़ो सब, तो हम कहाँ थे? हाँ, मछली पकड़ रहे थे। तो मैं कह रहा था मछली पकड़ी है तो दिखाओ अपनी बाजुओं की ताकत, फिशिंग रॉड जैसी बकवास चीजों से तुम कुछ नहीं पकड़ पाओगे मोगली। पक्का कह रहे हो बलू? क्या कोई भालू भी नहीं है? भालू? एक मिनट, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो और हम कहाँ हैं? हम यहाँ कैसे आ गए? खैर ये सब छोड़ो, अगले लेसन की तरफ बढ़ें। एक बात कहूँ बलू, मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है। सच में? हाँ, चलो आओ दोस्तों, मेरे पीछे आओ। ताजा मछली खाने का मजा ही कुछ और है मोगली। मन कर रहा है कि सुबह तक खाता ही रहूं। वैसे मैं तुम्हारे फिशिंग रॉड वाले आइडिया के बारे में सोच रहा था। क्या सोच रहे थे? मैं सोच रहा था एक मेरे लिए मंगवा ही दो। हाँ
इतनी रफ्तार से खाते रहोगे तो पोनिया के लिए कुछ नहीं बचेगा। क्या करूं, कंट्रोल ही नहीं होता। वैसे वो अब तक आई क्यों नहीं? पता नहीं कहाँ रह गई। शहद खाने के दिन तो वो कभी इतनी लेट नहीं होती। उसके साथ कुछ अनहोनी ना हुई हो। मैं जाकर उसे देखता हूँ, पर तुम पूरा शहद चट मत कर देना। हाँ, एक काम करता हूँ, पोनिया का हिस्सा भी साथ में ले चलता हूँ, सही रहेगा। ध्यान से जाना। बंदरों के निशान, आखिर हुआ क्या था यहाँ? पोनिया के पैर के निशान भी है, कुछ तो गड़बड़ है, मुझे पता लगाना होगा। जल्दी चलो और दम लगाओ। रानी माशा ठंडी गुफा में हमारा इंतजार कर रही है, और इस बंबू काटने वाली का भी। बन रहा है। पता नहीं इस बार मार्शा क्या करने वाली है। मुझे किसी भी तरह पोनिया को यहाँ से छुड़ाना होगा। अगर तू सारा बंबू खा लेगी तो काम कैसे होगा? इसे पीने के लिए थोड़ा पानी दे दो। अरे वाह वाह, हरी हरी बंबू की पत्तियाँ। इन्हें मत खाओ पोनिया, अंदर मैं हूँ। दुश्मन अंदर आया है, पकड़ो उसे। इस बांबू काटने वाली को कहां ले जा रहे हैं? ये मुझे नहीं छोड़ेगी, तुम जाओ। तुम्हें लेने वापस आऊंगा। बच के जाने ना पाए। पहले ढूंढ के तो दिखाओ बंदरों। अच्छे
अच्छे से बताओ, इधर जाना है या उधर जाना है? बताओ बताओ ना, वो दिख रहे हैं मोगली पकड़ा गया या नहीं? पता नहीं चल रहा है, सब इधर उधर ही घूम रहे हैं। मोगली के बारे में बताओ, वो दिख रहा है? हाँ हाँ मुझे दिख रहा है। कहाँ है वो? तुम्हारे पीछे है। इनके बस टीम बड़ी है पर हम दोनों के बराबर दिमाग नहीं है। बस देखती जाओ, उस बम्बू काटने वाली को ले आओ और इंसानी बच्चे को बंदी बना लो। ढलने से पहले टावर पूरा बनना चाहिए, मुझे आज ही सूरज तक पहुंचना है। बिल्कुल पूरा हो जाएगा रानी साहिबा। और फिर आप पहनेंगी सूरज का ताज रानी साहिबा। और बन जाऊंगी सबसे ताकतवर रानी माशा। बंदरों किसी काम के नहीं हो तुम सब। ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, मैंने इसे बहुत सारे टावर्स बनाए हैं। ओ सच में, ये बात हम कैसे मान ले इंसानी बच्चे? अगर मैं तुम्हारे लिए नया टावर बना दूं तब तो मानोगी ना, वो इससे बहुत मजबूत होगा। एक मौका दो दिखा दूंगा तुम्हें। इसे बाहर निकालो। इस फिसल पट्टी से फिसल कर तुम सीधे आसमान तक पहुंच जाओगी। आह क्या बात है, पर ये तुम्हारी पट्टी मजबूत तो है ना? बिल्कुल है, यकीन नहीं होता तो खुद ही जांच कर लो, पर इसमें थोड़ा खतरा है। हाँ क्यों ना पहले मैं जांच कर लूँ तो पता चल जाएगा। नहीं हाँ ठीक कहा, तुम ही जाओ। हाँ ठीक है, पर मुझे एक साथी की जरूरत है, पोनिया को भेज दो। ये क्या कर रहे हो मोगली, इन बंदरों की मदद क्यों कर रहे हो? बस देखती जाओ। बोलो बताओ तुम तैयार हो? रेडी स्टेडी गो। नहीं ये बंदर। लो हम पहुंच गए। मोगली कितनी देर लगा दी, कहाँ चले गए थे तुम दोनों? लंबी कहानी है, बाद में सुनाऊंगा, पहले ये बताओ शहद बचा है? नहीं तो किसे चाहिए? मजाक कर रहा था, ये लो। शुक्रिया बलू, और तुम्हारा भी शुक्रिया मोगली मुझे बचाने के लिए। ये तो मेरा फर्ज था पोनिया। ये खेलने के लिए नहीं बनाया है, बंद करो। लेकिन माशा, इसे बहुत मजा आ रहा है।
शेर खान घूमता है, उसके हुर्राने की दहाड़ मोगली सुनता है। ये है जंगल बुक, यही है जंगल बुक, यही है जंगल बुक। बागीरा और बलू अपने करतब दिखाए, ये है जंगल बुक, यही है जंगल।